हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बड़ा सोच रहे मेरा, थिंकिंग डेविल द किंग गेम, डेविल गेमिंग बंद कर दूं? नहीं लूं। यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके, so guys, all of you know that I'm going to be doing some important sessions with all of you. These sessions are obviously going to be some very good sessions, some such I'm going to be taking up those particular one liners which usually we tend to avoid while doing the preparation. So you all know that in the courses that we are taking, we end up taking such important and bade topics ki ye jo chote chote topics hai na, aksar ye miss ho jate hain. Aur kabhi kabhi exams mein aap kya dekhoge कि यही टॉपिक जो है पहुंच जाते हैं एग्जाम्स में। गुस्सा तो बहुत आता है, बट यू नो देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू ओवर हियर, है ना। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। राइट, आई विल बी डूइंग 25 क्वेश्चंस विद यू टुडे, एंड ऑल दीज 25 क्वेश्चंस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेनेवर यू डू डू द टॉपिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है। इन केस यू आर नॉट बीइंग एबल टू आंसर, यू डोंट नीड टू मेक योर, मतलब होता नहीं है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। प्लीज डू नॉट फील बैड, डू नॉट फील व्हाट डू वी से, डू नॉट फील एज इफ यू आर नॉट डूइंग थिंग्स वेल। इट्स जस्ट दैट इट हैपेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। समटाइम्स यू विल बी डूइंग वेल, समटाइम्स यू वोंट बी डूइंग वेल। सो आई डोंट रियली थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी स्केयर्ड अबाउट। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट understanding session for all of you. You should just remember what you have exactly studied. Yeah. Let's start. Just give me a second. I'll start the session. First of all, welcome everyone online. Okay. Let's start. First question. Which fighter aircraft has been showcased by India in the Singapore Air Show of 2022? There is one aircraft that we have showcased in the Singapore Air Show. Sukhoi, CP Cat, Jaguar, Tejas MK, Dassault Mirage. See the options. Dhyan se dekho options ko. Ekdam sahi. Ekdam sahi. Acha, ek baat bataiye. Everyone tell me. Tejas banane mein kiska haath tha? Name the person who has been recently commemorated because he basically made such important missiles, the entire guided missile system of India. Can you name that person who wrote or made all the guided missiles for India? Nahi, HPL to banaya hai, but ye technology kaun laya tha India mein? Someone who has also remained the president of India at one point of time. Come on guys. चलो, एनीवेज, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली द LCA तेजस। हमारा MK1 द फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विद इट इज एज दिस वन द सिंगापुर डिफेंस इज द एशियाज लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस इवेंट। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड इन द सिंगापुर एयर शो एंड इट वॉज हेल्ड फ्रॉम 15 to 18 February 2022 एट द चांगी एग्जीबिशन सेंटर सिंगापुर। इतना नहीं आएगा, बस आपसे पूछेगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट था। दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट दे माइट आस्क यू। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर 2022? वेरी गुड, एकदम APJ अब्दुल कलाम, सही है। उन्होंने पटना बनाया था, तो पटना में पहले पी का नाम देख लो, APJ अब्दुल कलाम, एकदम सही। अग्नि, तेजस, ये सब नाम अगर आपने सुना है, नाग मिसाइल, ऐसे करके, एकदम सही है। गुड, ये आंसर हियर इज रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को ये एक्टर दिया गया है फॉर द परफॉर्मेंसेज इन द मूवी 83। एंड ये मिमी वाला मूवी आया था ना कृति सैनन का, उसमें बेसिकली शी प्लेड द रोल ऑफ अ सरोगेट मदर हु वाज अबैंडन्ड, तो इसके बारे ये आया है। द इंडियन एयरफोर्स हैज कंडक्टेड द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज विद विच कंट्री? प्लीज मार्क दिस एज एन इम्पोर्टेंट वन।
और अपने सी एक्सरसाइजेस वाले पेज में, आपके जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस वाले पेज में इसको ऐड करा लीजिए, यूएई, ओमान, कतर और इसराइल। ध्यान से देखिए, यूएई, कतर, ओमान और इसराइल। एकदम सही, द आंसर हियर इज गोइंग टू बी बी, ओमान। माय इंडियन एयरफोर्स एंड द रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान हैव कंडक्टेड अ 5-day बायलैटरल एक्सरसाइज एट द जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन। हुआ कहां था? जोधपुर, राजस्थान। द एक्सरसाइज इज नोन एज द ईस्टर्न ब्रिज 6, इज इन इट्स 6th एडिशन। ओके, इट वॉज हेल्ड ऑन in 2019 October in the Air Force base at Masira, Oman. Clear with this part? Hello Anshi. Next topic. Which airport continues to be the world's busiest airport by international passenger numbers for the 8th consecutive year? The Singapore Changi Airport, the Hamad International Airport, the Haneda Airport, or is it the Dubai International Airport? एकदम सही। तो देखिए ना, जल्दी इसका जवाब आता नहीं मैडम, सबसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा हमें ही पता है इसके बाद। The answer is Dubai International. The next question. So it is basically a very, very busy airport, busy throughout the year, and it has more than 1.5 million passengers on the back of a strong last quarter. The 10th edition of India President's Fleet Review was conducted by which of the was conducted at which place as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav? चेन्नई, मार्मगांव, विशाखापट्टनम या टूटीकोरिन? ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सिटी ऑफ डेस्टिनी के पीछे इसका नाम रखा गया था, सिटी ऑफ डेस्टिनी। तो नहीं समझ में आ रहा है, सोचो सिटी ऑफ डेस्टिनी कौन सा है। एज यू नो, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज रिव्यूड द इंडियन नेवल फ्लीट, 60 ships and submarines and 55 aircraft. Was conducted at Vishakhapatnam as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and this is the second time that Vishakhapatnam has been hosting the PFR. The first time in 2006 by the President of India APJ Abdul Kalam. Ho gaya? Next question pe chale. Hello. Good. Good. Okay. What is the theme of the International Mother Day 2022 observed every year on 21st February? The local languages for global citizenship, spotlight on science, language without border, using technology for multilingual learning, towards sustainable futures through multilingual education. Yes, guys, so the answer here is C, using technology for multilingual learning, challenges and opportunities. Name the Indian hockey player who has won the prestigious World Games Athlete of the Year of 2021 for his 2021 performance. Manpreet Singh, Harmanpreet Singh, Rupinder Pal Singh or P.R. Srijesh? Arre wah. Yes. So answer here,
एकदम सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इनका नाम है हरमनप्रीत पीआर श्रीजेश, है ना। इनको गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है बिकॉज ही इज द वन एंड द ओनली सेकंड इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। बिफोर दिस रानी रामपाल द इंडियन हॉकी टीम लेडी कैप्टन वन दिस पर्टिकुलर प्राइज and Srijesh was a part of the Tokyo Olympics bronze medal winning side. चलिए 8th question. The 11th meeting of India and which country's joint military cooperation was held in New Delhi? Russia, USA, UAE or Oman? क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन हमने किसके साथ अभी बात की है, रशिया, यूएसए, यूएई या ओमान? तभी तो आंसर सिंपल है, अभी हम ओमान के साथ करेंगे, यूएसए यूएसए रशिया की तरफ तो हम जाएंगे नहीं गलती से भी। तो भाई हमने ओमान के साथ ये एएमसीसी जो है वो साइन करा है। इट वाज चेयर्ड बाय अजय कुमार एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द डिफेंस ऑफ ओमान मोहम्मद बिन नसीर बिन अली अल जाबी। वाह क्या बड़ा नाम है। हेलो, व्हिच पब्लिक सेक्टर कंपनी has begun the maiden Indian project of mixing hydrogen into natural gas system at Indore. इसको important mark करिए, mark it is a very important question. National Hydrogen Mission का ये एक तरीके से starting point है. GAIL, Hindustan Petroleum Limited, HPCL, IOL or NTPC. ध्यान से देखो इस question को, it's a very important one. This one is extremely important, extremely, extremely, extremely important. You should not get this wrong. हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था जब हम बजट के सेशन को कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम भी पढ़ा था, इसको हमने ऐप वाले डेली क्लासेस में भी पढ़ा था। ध्यान से देखिए इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है। यस एकदम सही। सो द आंसर गाइस, द आंसर हियर इज ए गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। It was supplied to Avantika Gas Limited, one of GAIL's joint venture with HPCL. Okay. The 10th question. Who is the new Vice Chief of Indian Army Staff? T.P. Mohanty, Upendra Dwivedi, Rana Pratap Kalita, Manoj Pandey. This one is Manoj Pandey, the new Vice Chief of Indian Army. Chalo. Achha, so guys, there is a new course which has just been launched. This is a crash course part 3 of CLAT 2022, the examination which you are going to have in May. This is going to be a very intense, very comprehensive course for you. Please try to join this when, if in case you are planning the 2022. If you are planning 2023, we also have a comprehensive course for you. Which has just been launched, and again we are going to be a part of that. We are going to make sure that you do well in your examination. Let's move on to the 11th question. India defeated which country to win the bronze medal at the 2022 Women Hockey Asia Cup tournament? Thailand, South Korea, China or Japan? अली मिठाई वाला, कान्या कुमारी, हरिओम अवध, वैभव, कशिश महादेव, किंग डेविल गेमिंग, हरिओम अगेन, मुस्कान बानो, एकदम सही। तो आंसर जो है वो है चाइना। इंडिया हैज डिफीटेड चाइना टू विन द ब्रॉन्ज मेडल एट 2022 हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट। चलो ये इंपॉर्टेंट है। विच ई वॉलेट कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर called POPs? Paytm, MobiQuick, Amazon Pay या फिर Google Pay? Yes, so this one is Paytm. चलिए, which country has successfully tested नेवल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयरन डोम मिसाइल सिस्टम सी डोम? अगेन इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सी डोम। सी डोम किसका प्रोजेक्ट है?
रशिया, इजराइल, चाइना या फ्रांस? सीडोम, तो सीडोम पता है इजराइल का एक प्रोजेक्ट है, इट इज लाइक एन आयरन डोम, ताकि भाई हमस एंड गाजा की तरफ से जो ये मिसाइल्स आएंगे वो इसराइल को हिट नहीं कर पाएंगे, एक तरीके का डोम बना के रखेगा, प्रोटेक्शन डोम। ठीक है, नेक्स्ट वन। इन फरवरी 2022 विच कंट्री हैज साइंड अ रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस अग्रीमेंट? जापान, इसराइल, जर्मनी और फ्रांस? ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस, हाँ जी। तो द आंसर हियर इज बी, इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस ने इसको साइन करा है। इट विल हेल्प अस इन एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन इन मरीन साइंस रिसर्च फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओशंस। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डेडिकेटेड एज अ डोडा बैंड प्रोडक्ट? डोडा, लैवेंडर, सैफरन, जैस्मिन या रोजवुड? ध्यान से देखिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हियर इज ऑब्वियसली ए, लैवेंडर। अच्छा, विच स्टेट पुलिस फोर्स हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस? दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश? यस, यस, आंसर हियर इज गोइंग टू बी ए, द दिल्ली पुलिस। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टेक्नो फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। द स्मार्ट कार्ड विद इनहेरेंट सिक्योरिटी फीचर्स विल बी इजी टू कैरी एंड हैंडल, एंड दे आर गोइंग टू बी डूइंग इट थ्रू द शस्त्र ऐप। ठीक है, 17th क्वेश्चन, द 550 टन कैपेसिटी गोवर्धन बायो सी एन जी प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हैदराबाद, इंदौर, ग्वालियर? या भोपाल? गोवर्धन स्कीम कहाँ से इनॉग्रेट की गई है? सिंपल क्वेश्चन है ना यार ये, ऑब्वियसली ये तो होगा हमारा इंदौर ही। इट इज बेस्ड ऑन द वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन। 500 tons of segregated wet organic waste to produce around 17,000 kg of CNG. World Pangolin Day is going to be celebrated on which date to raise awareness about a shy, elusive mammal covered in hard scales from tip to tail? 17th Feb, 16th February, 17th February, 18th February or the third Saturday of Friday? सही है, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, बढ़िया पढ़ाई हो रही है आप लोगों की मतलब। यस, सो दिस इज डी, द थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी। ऑलराइट, 19th क्वेश्चन, लाले पाकिस्तान किसको दिया गया है? द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। हिलाले पाकिस्तान कौन से पर्सनैलिटी तो गया दिया गया है? हैज इट बीन गिवन टू बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस? क्विकली सी दी ऑप्शंस।
Yes, the answer is A, a philanthropist, Bill Gates. 20th question. Considered to be the second largest fair in India, the Medaram Jatra is organized in which state for the Ministry of Tribal Affairs, which has sanctioned 2.26 crores for 2022 edition? West Bengal, Odisha, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? देखो ध्यान से। हाँ, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, आराम से जवाब दीजिए, टेक 2-3 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड देन आंसर द क्वेश्चन। हाँ जी, तो इसका जवाब जो है, दिस इज गोइंग टू बी तेलंगाना। बेसिकली इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फेयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, द मेधाराम जात्रा हैज बीन ऑर्गेनाइज अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव, वेयर ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज विल बी हाईलाइटेड। इट इज ऑर्गेनाइज बाय तेलंगाना सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी, दी कोया ट्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द कोर्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट, द कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स पार्ट टू। ओके, all right, 21st question, 5 more questions to go, let's do this as fast as we can. Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Secondary Education, CBSE? Vineet Joshi, Geeta Mittal, Debashish Mitra or Sanjay Malhotra? Dhyan se question ko dekho, look at the question and tell me inme se kaun sa jo hai wo sahi answer hai. Closely look at the options. Theek hai? हाँ जी, यस, गुड गुड गुड, यस, द आंसर हियर इज विनीत जोशी जी, एकदम सही। हु हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड हैज ऑर्गेनाइज्ड अ हैकाथॉन नेम डार्कथॉन to find solutions to unravel the anonymity of the dark net or dark web markets? NCRB, Narcotics Bureau, Enforcement Directorate or the CBI? देखो, dark net किस काम के लिए आता है? देखो, ध्यान से देखो। एकदम अच्छे, गुड गुड गुड। तो दिस वन इज ऑब्वियसली भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब डार्क वेब में बहुत सारे ड्रग्स बेचे जाते हैं, दैट इज व्हाई द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड द हैकाथॉन। द थर्ड क्वेश्चन, 23rd वन, व्हाट इज द थीम ऑफ द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022? बिल्ड टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट, एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, रीडिफाइनिंग अ कॉमन फ्यूचर, safe and secure environment for all, attaining the 2030 agenda, delivering on our promise and partnering for a resilient planet. ओके, सो आंसर हियर इज ए, टुवर्ड्स रिजिलिएंट प्लैनेट, एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। 24th क्वेश्चन, हु विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम द 1st दिसंबर टू द 30th ऑफ नवंबर? ठीक है, G20 का प्रेसिडेंसी ध्यान से देखिए, इटली, ब्राजील, इंडिया और मेक्सिको। ट्रॉइका नाम ध्यान होगा आप लोगों को, somebody is going to be a part of the troika, India, obviously India is going to be a part of the G20 troika, आपने सुना होगा, अभी हम लेने वाले हैं इटली, इंडोनेशिया और इंडिया जो है वो अभी ट्रॉइका में गया हुआ है, अभी इंडोनेशिया है, लास्ट टाइम इटली था और अभी इंडिया बनने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2-डे ग्लोबल समिट ऑन रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया हैज बीन हेल्ड इन विच सिटी? वॉज इट हेल्ड इन बेंगलुरु, रांची, भुवनेश्वर और हैदराबाद?
इजी है ना. दिस वन इज डी, हैदराबाद. Guys, with that we come to an end with the session of today. Thank you everyone for being online in this session. Guys, on a daily basis we are holding so many sessions for you in the app as well. Please try to join us there for many, many integral sessions for your preparation. Thank you for being online, everyone. Please take care of yourselves. Bye-bye.